नवरात्र के पावन मौके पर आइए आपको दर्शन कराते हैं पीताम्बरा माई के। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित है माँ पीताम्बरा का मंदिर। ये कई पौराणिक कथाओं के साथ साथ वास्तविक जीवन में लोगों की तपस्थली है। यहाँ स्थित श्री वनखंडेश्वर शिव के शिवलिंग को महाभारत के समकालीन के रूप में अनुमोदित किया जाता है। ये मुख्य रूप से शक्ति का आराधना स्थल है। श्री पीताम्बरा पीठ बगलामुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो 1920 के दशक में श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने आश्रम के भीतर धूमावती देवी के मंदिर की भी स्थापना की थी, जो कि देश भर में एकमात्र है। धूमावती और बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 2 हैं। इसके अलावा आश्रम के बड़े क्षेत्र में परशुराम, हनुमान, काल भैरव और अन्य देवी देवताओं के मंदिर फैले हुए हैं। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीताम्बरा पीठ मंदिर के साथ एक ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मित्र देशों रूस और मिस्र ने भी सहयोग देने से इनकार कर दिया था। तभी किसी योगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्वामी महाराज से मिलने को कहा। उस समय नेहरू दतिया आए और स्वामी जी से मिले। स्वामी महाराज ने राष्ट्रहित में एक 51 कुंडी महायज्ञ करने की बात कही। यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ का यजमान बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ का समापन होने वाला था, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का नेहरू जी को संदेश मिला कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है और 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी और इसी महत्ता के कारण ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।